फार्मर प्रोटेस्ट पर रिहाना की ट्वीट के बाद कंगना रनौत ने काफी तीखा हमला किया था। एक तरफ उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आतंकवादी करार दिया, वहीं रिहाना पर भी देश बेचने का आरोप जड़ दिया है। ट्वीट में कंगना ने लिखा, इसके बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं है बल्कि आतंकवादी है जो भारत को बांटना चाहते हैं ताकि चीन जैसे देश हमारे राष्ट्र पर कब्जा जमा लें और यूएसए जैसी चाइनीज कॉलोनी बना दें। तुम शांत बैठो बेवकूफ, हम लोग तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं है जो अपना देश बेच दे। अब कंगना ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, लेकिन कुछ सेलेब्स को एक्ट्रेस की इस तल्ख टिप्पणी से परेशानी है। इस लिस्ट में एक्ट्रेस कुबरा सैद का नाम भी जोड़ा जा सकता है। किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली कुबरा सैद ने बिना कंगना का नाम लिए उन पर तंज कसा है। उन्होंने एक्ट्रेस को क्वीन कहकर संबोधित किया है। कुबरा ने लिखा है, क्वीन क्वीन बुलाकर बेड़ा गर्क कर दिया। अब क्यों कंगना ने ही साल 2013 में क्वीन फिल्म में काम किया था, ऐसे में स्ट्रीट को एक्ट्रेस के खिलाफ ही माना जा रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कुबरा ने कंगना पर हमला बोला हो। जब कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी उस समय भी कुबरा ने जोरदार हमला बोला था। तब एक्ट्रेस ने सवाल पूछा था कि क्या ये सुरक्षा उनके टैक्स के रूप में जमा किए गए पैसों से दी गई है। अब उस समय कंगना की बहन ने जवाब देकर कुबरा को चुप करा दिया था, लेकिन एक्ट्रेस का लगातार कंगना पर हमला जारी है। उनके हर विवादित ट्वीट पर कुबरा का रिएक्शन देखने को मिल ही जाता है। पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन पर जब से ट्वीट किया है, बॉलीवुड सेलेब के बीच तकरार बढ़ती दिख रही है। रिहाना ने तो किसान आंदोलन पर चर्चा की बात कही थी, लेकिन अब एक दूसरे पर निजी हमले होते भी नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन समाचार।